वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको भिंडी बनाने की रेसिपी देती हूँ। ओकरा भिंडी है ये। तो पहले भी मैंने आपको भिंडियों की रेसिपी दी थी, लेकिन वो मैंने भिंडी गोश्त बनाया था, पर मैं ये सिंपल प्लेन वाली बना रही हूँ, इसके अंदर कोई मीट शामिल नहीं करूँगी। और ये मैंने तकरीबन फ्रोज़न, वही जैसे मैंने फ्रोज़न पहले भी यूज़ की थी, अभी भी मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 kg का मेरे पास पैकेट है, ये देखिए 1 kg का मेरे पास ये पैकेट है। तो मैं 1/2 kg यूज करूंगी अपनी कुकिंग में। तो ऑनियन है मेरे पास ऑलरेडी फ्रोजन है, ये देखिए, आप इसको फ्राई करके नॉर्मल हो जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं नॉर्मली अपने ऑमलेट वगैरह में यही यूज करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता, रीजन मैंने आपको बताया था। और टमाटर मैंने यहाँ पे लिए हैं, तकरीबन मैंने 3 बड़े साइज के लेके इसको चॉप करके रखा है। जिंजर गार्लिक ऑलरेडी पहले से मैंने क्रश करके रखा है, 1 teaspoon मैं इसके अंदर डालूंगी, 1/2 kg भिंडिया मैं इसके अंदर डालूंगी। और ऑनियन जो है वो तकरीबन, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना यूज करी हूँ। आप ऐसा करें कि अगर फ्रोजन यूज करी है तो आप 1 cup यूज कर ले, और अगर आप के पास फ्रेश है तो 2 बड़े ऑनियन लेके आप उसको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर ले। मसालों में वेरी सिंपल, चिली पाउडर 1 teaspoon, टर्मरिक पाउडर 1/2 teaspoon, एंड सॉल्ट जो है वो 1 teaspoon डालूंगी इसके अंदर मैं, और मैं इसके अंदर कुछ शामिल नहीं करूंगी। और बाकी चलिए अब, और ऑयल में यूज करूंगी वेजिटेबल फ्राई करने के। यहाँ पे मैंने 2 fry pan लिए हैं, एक कढ़ाई है जिसमें कि मैं भिंडियाँ फ्राई करूंगी। फ्रोजन भिंडियाँ ऑलवेज फ्राई करके डालते हैं, अगर फ्रोजन भी नहीं, अगर आप फ्रेश भी लें तो उसको थोड़ा सा फ्राई जरूर करें, क्योंकि उसके अंदर एक लेस होती है, वो जो है वो अगर जब आप कुक करती हैं भिंडी तो वो अच्छी नहीं बनती। तो अगर आप फ्राई करके अपनी भिंडियाँ बनाएंगी तो इस तरह बहुत मजे की बनेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर सबसे पहले मैं थोड़ा सा, एक साइड पे ये ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें मैं फ्राई करूंगी और इसमें मैं अपना मसाला रेडी करूंगी। मैंने बिल्कुल थोड़े से ऑनियन इसके अंदर डाले हैं, समझे कि 1/2 जो ऑनियन है वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। एक साइड पे हमारी भिंडियां जो है, ओकरा भिंडी वो फ्राई हो रही है, दूसरी साइड पे मैं ये इधर ऑनियन जो है वो फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से आपका काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, कि आपने ऑलरेडी पहले से सारी चीजें अगर काट के रखी हुई हैं, और अगर आपके पास हर चीज आपको फ्रोजन रेडीमेड मिल रही है तो आपकी कुकिंग आपके लिए और भी आसान है। ठीक है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा हम इस तरह से सॉफ्ट करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है मैंने ऑलरेडी इसके अंदर करके रखी हुई है, 1.5 teaspoon डालेंगे। ज़्यादा वेजिटेबल के अंदर गार्लिक जिंजर डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मीट वगैरह में ये जिंजर और गार्लिक ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, लेकिन वेजिटेबल का जो अपना नेचुरल टेस्ट है वो भी आना चाहिए। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी, ज़्यादा करना चाहती हैं तो इसमें जितनी आप चीनी है वो डाल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता। अब हम इसका मसाला जो है रेडी कर लेंगे, देखिए कितनी अच्छी शक्ल आ रही है। तो ये एक साइड पे ये देखिए भिंडियाँ तकरीबन हो चुकी हैं और मसाला हमारा रेडी है, मैंने ग्रीन चिली इसके अंदर काट के डाल दी है। अब बारी है ऑनियन की, क्योंकि ये फ्रोजन है इसलिए हम इसको पहले डालेंगे, थोड़ा सा इसको मसाले के अंदर मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, जो और जो इसका पानी निकलेगा वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, और जब हम भिंडियाँ डालें तो वो ज़्यादा टूटे ना। ये ख्याल ज़रूर रखिएगा, अगर फ्रोजन ऑनियन यूज़ करी है तो पहले आप अपने मसाले में शामिल कीजिएगा और थोड़ा सा इसकी बुनाई कर लें ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी ड्राई हो जाए।
और जो भिंडियों का ऑयल जिसमें आप फ्राई करेंगे उसको आप फेंकिएगा मत, उसको आप एक किसी बाउल में डाल के सेव करके रख ले, ताकि जब भी आप कोई वेजिटेबल बनाने लगे तो आप उसके अंदर ये यूज कर सकती हैं, ये जाया ना कीजिएगा जी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बहुत ज्यादा इनका कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि ये अच्छी नहीं लगेगी। कलर चेंज करके आपको मैं करीब से दिखाऊं, इस तरह से मैंने इसको रखा है। बस अब आप फ्राई करने के बाद इस मसाले के अंदर आप मिक्स कर ले भिंडियों को। तो मैंने ये देखे भिंडियों को, ओकरा भिंडी जो है मैंने इसको मसाले के अंदर मिक्स कर ली है। मिक्स करने के बाद आपने 10-15 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखना है, ताकि भिंडियां भी हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। हाफ कुक तो ये जब फ्राई करते हैं उसी में हो चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी जब मसाले का टेस्ट भिंडी तक में अंदर तक नहीं जाएगा, तब तक इसका टेस्ट जो है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो ट्राई कीजिएगा कि 10-15 मिनट्स ये टूटेंगी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई हुई हुई है। फ्राई हुई हुई जो ओकरा भिंडी है वो कभी नहीं टूटती। तो आप इसमें बस स्लोली स्लोली आप चम्मच चलाइएगा, जब भी आपने चलाना हो देखिए कि ये नीचे से जल रहा है, लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें आपने चम्मच नहीं मारना। अगर आप फ्रेश ले रही हैं उसको आप किसी तरीके से भी करेंगे, लेकिन देखें कि ये टूट नहीं रही बिल्कुल, वैसे की वैसे ही है। तो नाज़िम बस आप इसको 15 मिनट्स के लिए दम देंगे तो बस अब आप छोड़ दें, आपकी